यहाँ पे एम डॉट टू का स्लॉट भी दे रही है, लेकिन एम डॉट टू के लिए ये एसएसडी नहीं देती है। और ये एसएसडी ना देने के कारण क्या होता है, फ्रेंड्स मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर जिसका नाम है सूरज कंप्यूटर्स। हमारा सूरज कंप्यूटर लैपटॉप और कंप्यूटर के रिगार्डिंग सारी प्रकार की सुविधा प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ हम कार्ट्रिज और रिफिलिंग में भी डील करते हैं बहुत अच्छी तरह से। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास एक एचपी का लैपटॉप आया है, ये आप देखोगे नया लैपटॉप है लेटेस्ट। मैक्सिमम कस्टमर ने 6 या 8 महीने यूज किया होगा, उससे भी कम। तो अभी आप अगर जो इसकी मॉडल की बात करें तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा ये एचपी का। अगर मैं ढक्कन इसको खोल के दिखाता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे आप देख रहे हो 15DA026TU का लैपटॉप है, लेटेस्ट मॉडल है, बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। बट इसमें एक कमी है कि कंपनी क्या करती है कि आप अगर जो मैं इसको पीछे से दिखाना चाहूँ या फिर आपको यहाँ से दिखाऊंगा तो ये देखिए कि कंपनी इसमें हार्ड डिस्क तो दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड डिस्क दे रही है पर और यहाँ पे M.2 का स्लॉट भी दे रही है, लेकिन M.2 के लिए ये SSD नहीं देती है। और ये SSD ना देने के कारण क्या होता है कि ये जब कस्टमर यूज करता है साल भर 6 महीने या फिर 1.5 साल तो क्या होता है ये लैपटॉप स्लो हो जाता है। इसी केस में आज ये हमारे पास आया, तो अभी हम आपको ये दिखाएंगे कि जब ऐसे प्रकार के लैपटॉप आप परचेज कर लेते हो जिसमें SSD नहीं है और वो स्लो हो जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं। आप देखोगे कि मैं एक नॉर्मल सा SSD है सिंट्रोनिक्स का 128GB का, ये है M.2 का, ये मैं लगाने जा रहा हूँ इसमें। और मुझे पता है कि ये SSD लगाने के बाद कस्टमर का 80% प्रॉब्लम, 80% से प्लस का जो प्रॉब्लम है वो स्लो वाली 100% दूर हो जाएगी। तो अभी आप देखिए कि इसका जो पार्टिकुलर स्लॉट होता है ये यहीं पे फिट होगा और कहीं कट नहीं होता है। यहाँ पे ये जो है इसके कट बने हुए होते हैं, ये कट आप देखोगे यहाँ पे, तो ये उसी कट में फिट होता है। और उसी कट में फिट होने के बाद यहाँ पे स्क्रू लगाना होता है। ये स्क्रू लगाने के बाद आप देखोगे कि ये प्रॉपर अपनी जगह पे फिट हो गया है इसी लैपटॉप में। अब क्या करेंगे कि इसको हम ऑन करके इसमें विंडो इंस्टॉल करेंगे और विंडो इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखाएंगे कि जो इसकी स्पीड है वो कितनी बढ़िया हो चुकी है।